अभिमन्यु डायना को देखकर मन ही मन सोचने लग जाता है, कहीं इस डायना ने कुछ सुन तो नहीं लिया। अभिमन्यु ने इतना सोचा ही था कि तभी डायना कमरे के अंदर घुसती है और उससे झट से बोल पड़ती है, क्या बात कर रही थी यामिनी तुमसे अभी, और वो इतने गुस्से में बाहर क्यों गई, आई तो बड़ी खुशी खुशी थी। डायना का सवाल सुनकर अभिमन्यु समझ जाता है कि डायना उसकी और यामिनी के बीच की कोई बात नहीं सुन पाई थी, वो बस दरवाजे पर खड़ी हुई थी, कमरे से बाहर उसकी और यामिनी की कोई आवाज नहीं गई थी। डायना फिर अभिमन्यु से पूछ पड़ती है, तुम चुप क्यों हो अभी, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बताओ ऐसी क्या बात करनी थी यामिनी को तुमसे जिसके लिए उसे तुम्हें अकेले कमरे में बुलाना पड़ा, मेरे सामने वो बात नहीं कर पाई। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए डायना से कहता है, पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो डायना, जो तुमने अधूरे छोड़ दिए थे। डायना अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहती है, अधूरे सवाल, कैसे अधूरे सवाल, अभी तुम किन सवालों की बात कर रहे हो। अभिमन्यु डायना को घूरते हुए कहता है, इतनी मासूम मत बनो डायना, तुम अच्छे से जानती हो मैं किन सवालों की बात कर रहा हूँ। अभिमन्यु एक लंबी आह भरते हुए डायना से फिर पूछ पड़ता है, तुमने कहा था कि महाडायन ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा था, तो जाहिर सी बात है तुम उस महाडायन को जानती हो, तो मुझे बताओ डायना कौन है वो महाडायन। डायना अभिमन्यु से अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे जिन सवालों के जवाब देने थे वो मैं दे चुकी हूँ अभी, उसी के साथ अपना प्यार भी साबित कर चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अभिमन्यु भी डायना को उसी के लहजे में पलट कर कहता है, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकती तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता डायना, समझी तुम। डायना समझ जाती है कि अभिमन्यु से बहस करना बेकार था, वो उसे कुछ नहीं बताने वाला था, फिर भी डायना एक आखिरी उम्मीद के साथ कहती है, अगर तुम्हें ये नहीं बताना अभी कि यामिनी और तुम्हारे बीच क्या बातें हुई, तो बस यही बता दो कि कल रात तुम्हें ऐसा किसका कॉल आया था जिसके लिए तुम रात ही रात में यहाँ से चले गए, एक बार युग से मिलना भी तुमने ठीक नहीं समझा। अभिमन्यु डायना को घूरते हुए ही कहता है, मैंने कहा ना डायना, मैं तुम्हें तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देती, जब तुम मेरे सारे सवालों के जवाब दे दोगी तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। डायना अभिमन्यु को एकटक देखते रहती है, उसे कुछ नहीं कहती है। अभिमन्यु भी डायना को देखकर समझ गया था कि डायना उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाली थी। जब डायना अभिमन्यु से कुछ नहीं कहती है तो अभिमन्यु खुद वहां से जाने लग जाता है, डायना भी उसे नहीं रोकती है। इस तरफ चार्ली और चैटर्जी जिप्सी के अंदर थे, चैटर्जी जिप्सी चला रहा था और चार्ली उसके बगल में बैठा हुआ था। चैटर्जी काफी डरा और सहमा हुआ लग रहा था, चार्ली के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चैटर्जी उसे लेकर शमशान घाट क्यों जा रहा था, आखिर उसे क्या करना था ये जानकर कि कमली की लाश को जलाया गया था या नहीं। चार्ली डरते हुए चैटर्जी से कहता है, सर मैं तो अभी भी कहता हूँ हमें वापस चले जाना चाहिए, शमशान घाट जाना जरूरी है क्या। चैटर्जी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है, तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो क्या चार्ली, जब से शमशान घाट नहीं जाने की जिद लगाए बैठे हो, अगर तुम्हें मेरे साथ शमशान घाट नहीं चलना था तो पहले ही मना कर देते, यहाँ पर बैठकर मेरा कान क्यों खा रहे हो जब से। चार्ली धीरे से खुद से बड़बड़ाता है, मैंने मना तो किया था सर, पर आप ही मेरी बात नहीं माने। चैटर्जी चार्ली को घूरते हुए कहता है, चार्ली शमशान घाट जाना जरूरी नहीं है बल्कि बहुत जरूरी है, समझे, शांति के साथ बैठे रहो वरना भी बीच रास्ते में जिप्सी से नीचे उतार दूंगा तुम्हें। चार्ली चुप बैठे रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। कुछ ही देर में चैटर्जी और चार्ली शमशान घाट पहुंच जाते हैं। दोनों ही जिप्सी से नीचे उतर चुके थे, दोनों ने बारिश से बचने के लिए छाता पकड़ा हुआ था। उन दोनों के सामने ही शमशान घाट का गेट था जिसके बगल में ही एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लाल रंग से लिखा हुआ था, मौत अंजामे जिंदगी है मगर लोग मरते हैं जिंदगी के लिए। चार्ली शमशान घाट के गेट पर ही खड़ा हो जाता है और गेट को एकटक देखने लग जाता है। चार्ली शमशान घाट के गेट को ही एकटक देखते हुए डरते हुए कहता है, ये शमशान घाट तो दिन में ही इतना डरावना लग रहा है, पता नहीं ये रात में और कितना डरावना हो जाता होगा। चैटर्जी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है, अब तुम यहीं पर खड़े रहोगे चार्ली, के अंदर भी चलोगे। चार्ली हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ हाँ चलिए ना सर। चार्ली और चैटर्जी दोनों शमशान घाट के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का नजारा और भी ज्यादा डरावना था, काली बारिश होने की वजह से इस वक्त किसी की भी लाश वहां पर नहीं चल रही थी, करीब 10-11 लाशें लाइन से रखी हुई थी। ये हैरान करने वाली बात थी कि वहां उन लाशों के पास कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, वो सभी शव लावारिस लाश की तरह वहां पर पड़े हुए थे। चार्ली उन लाशों को देखते हुए डरते हुए कहता है,
ये क्या सर, इन लाशों को तो अभी तक नहीं जलाया गया है। चैटर्जी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, इन्हें जलाया कैसे जा सकता है चार्ली, तुम्हें दिख नहीं रहा है, 2-3 दिन से तो काली बारिश हो ही रही है। इस बारिश में भला इन लाशों को कैसे जलाया जा सकता है, अगर जलाने की कोशिश भी करी होगी तो नहीं जली होगी। चार्ली हामी भरता है, हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, सच में कलयुग आ गया है। बताओ, मरने के बाद भी इंसानों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। चटर्जी तुरंत बोल पड़ता है, ये सब छोड़ो चार्ली, और ये बताओ तुम्हारा वो डोम का राजा जो शवों का दाह संस्कार करता है कहाँ पर है, जिसने कमली के शव को जलाया था। चार्ली अपने आसपास देखते हुए कहता है, वो यहीं कहीं होगा सर, यहाँ से कहाँ पर जाएगा। चार्ली और चटर्जी डोम के राजा को वहीं पर ढूंढने लग जाते हैं। जैसे जैसे चार्ली अपने कदम शमशान घाट के अंदर आगे बढ़ाते जा रहा था, उसके अंदर का डर और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। चार्ली शमशान घाट के अंदर अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसे एक छोटा सा मंदिर नजर आता है जो काफी पुराना लग रहा था। उस मंदिर में एक अलग ही चमक थी जो चटर्जी और चार्ली को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो दोनों एकटक नजर से उसी को देख रहे थे। चार्ली उस मंदिर को देखते हुए कहता है, डोम का राजा इसी मंदिर में होगा। इतना कहकर चार्ली तुरंत उस मंदिर के अंदर घुस जाता है। चटर्जी भी उसके पीछे पीछे मंदिर के अंदर घुस जाता है। मंदिर के अंदर ही माँ काली की एक मूर्ति रखी हुई थी, पर मंदिर पूरा सुनसान पड़ा हुआ था, वहां कोई नहीं था। जितना ज्यादा मंदिर पुराना लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा पुरानी वो मूर्ति थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे माँ काली साक्षात अपने रौद्र अवतार में वहीं पर खड़ी हो। माँ काली की मूर्ति को देखकर चार्ली और चटर्जी दोनों अपने हाथ जोड़ लेते हैं। जब चटर्जी माँ काली की मूर्ति को देखता है तो उसे अपने बचपन की याद आने लग जाती है। उसे वो पल याद आने लग जाता है कि कैसे महाअष्टमी की रात उसके पिता ने उसके जीप की बलि चढ़ा दी थी साधना सिद्ध करने के लिए। पर वो साधना तो सिद्ध नहीं हुई, बल्कि उसके पिता जो कि बहुत बड़े पंडित थे, हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए थे। माँ काली की अद्भुत मूर्ति को देखकर चटर्जी की आंखों के सामने से उसका पूरा बचपन गुजरने लग गया था कि कैसे उसके पिता बचपन में उसे शास्त्र पूजा पाठ तंत्र मंत्र के बारे में बताया करते थे। चटर्जी और चार्ली माँ काली की मूर्ति को एकटक नजर से देख ही रहे थे कि चार्ली अपना सिर माँ काली के सामने झुकाते हुए बोल पड़ता है, जय हो माँ काली की। चटर्जी भी अपना सिर झुकाते हुए माँ काली के सामने हाथ जोड़ते हुए धीरे से कहता है, जय हो माँ शमशान काली की। चार्ली तुरंत चटर्जी को रोकते हुए कहता है, क्या कहा सर आपने, माँ शमशान काली? चटर्जी हामी भरते हुए कहता है, हाँ चार्ली, ये माँ शमशान काली है, काली माँ के ही एक रूप है। चार्ली चटर्जी को ही घूरते रहता है। वो चटर्जी को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने चटर्जी के मुंह से कोई ऐसी बात सुनी हो जो वो पहली बार सुन रहा हो। चटर्जी चार्ली के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि चार्ली को अभी भी समझ नहीं आया था कि उसके कहने का क्या मतलब था। चटर्जी चार्ली को अच्छे से समझाते हुए कहता है, तुम्हें पता है चार्ली, हमारे सनातन धर्म में कई पुराणों व ग्रंथों का वर्णन है। इन शास्त्रों में देवी देवताओं के चरित्र, स्वरूप, वाहन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। बात करें माँ काली की, तो धार्मिक ग्रंथों में इनसे जुड़े उल्लेख के अनुसार यूं तो इनके अनेकों रूप हैं, परंतु दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली, महाकाली रूप को इनके प्रमुख स्वरूपों की गिनती में माना जाता है। इन रूपों के अलावा श्यामा काली, गुह्य काली, अष्टकाली और भद्रकाली आदि भी इनके ही विभिन्न अवतार हैं। चार्ली बड़े ही गौर से चटर्जी की बात सुन रहा था। चटर्जी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, धार्मिक ग्रंथों में भयानक अंधकार और शमशान की देवी को शमशान काली के नाम से जाना जाता है। तांत्रिकों के अनुसार वो देवी जो शमशान में रहती हैं, वही शमशान काली कहलाती हैं। मुख्य रूप से शमशान काली माता का मंदिर शमशान में स्थित होता है, इसलिए इनकी पूजा भी यहीं होती है। चार्ली चटर्जी की बात पर गौर करते हुए कहता है, अच्छा, इसलिए इनका मंदिर यहाँ शमशान में है। चटर्जी हामी भरते हुए कहता है, हाँ चार्ली, विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ काली के तमाम रूपों की पूजा उपासना अलग अलग तरह से की जाती है। माँ शमशान काली की पूजा अधिक तौर पर तांत्रिक और अघोर पंथ के लोगों द्वारा की जाती है। ये लोग शमशान काली की साधना उनसे तांत्रिक विद्या हासिल करने के लिए करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भेदों से युक्त मातंगी, सिद्धकाली, धूमावती, आर्द्रपटी, चामुंडा, नीला, नील सरस्वती, घरमटी, भरकटी, उन्मुखी तथा हसी, ये सभी शमशान कालिका के भेद रूप है। माँ शमशान काली की आराधना के लिए एम रीम श्रीम क्लीम कालिके क्लीम श्रीम रीम एम निम्न मंत्र का उपयोग किया जाता है। इतना कहकर चटर्जी चुप हो जाता है।
चटर्जी के चुप होने के बाद भी चार्ली एकटक नजर से चटर्जी को घूरते रहता है। चटर्जी मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हुआ चार्ली, ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं सर, आपने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पंडित के मुंह से ये सब बातें सुन रहा हूँ। आप तो माँ काली के बहुत बड़े भक्त लगते हैं। चटर्जी माँ काली की मूर्ति को देखते हुए ही खोए हुए अंदाज में कहता है, हाँ चार्ली, भक्त तो हूँ। माँ काली के बहुत एहसान है मुझ पर, इनकी वजह से ही तो मुझे एक नया जीवन मिला था। चार्ली हैरानी के साथ पूछ पड़ता है, नया जीवन? कैसा नया जीवन सर? चटर्जी बात को घुमाते हुए कहता है, जिंदगी में कभी कभी एक वक्त ऐसा आता है कि हम हार जाते हैं, जीने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, हम मरना चाहते हैं, पर उसी वक्त एक वजह ऐसी मिल जाती है जब हमारे अंदर जीने की इच्छा फिर से जग जाती है, उसे ही नया जीवन कहते हैं चार्ली, जो सब कुछ हारने के बाद शुरू होता है। चार्ली चटर्जी को घूरते हुए कहता है, मैं अभी भी समझा नहीं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? चटर्जी बात को बदलते हुए कहता है, तुम्हें अब कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं है चार्ली, तुम ये बताओ तुम्हारा वो डोम का राजा है कहाँ पर? तुमने तो कहा था वो मंदिर में ही होगा, पर वो तो यहाँ पर भी नहीं है। चार्ली मंदिर के अंदर ही अपने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहता है, सर उसे होना तो यहीं पर चाहिए था, पता नहीं कहाँ पर है, वैसे तो वो कहीं नहीं जाता। चार्ली और चटर्जी मंदिर के अंदर चारों तरफ डोम के राजा को ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। चटर्जी तुरंत चार्ली से कहता है, चार्ली तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? चार्ली हामी भरते हुए कहता है, हाँ दे रही है सर। चटर्जी उस आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो बाहर से आ रही है, लगता है बाहर कोई है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।